हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है, तो आइए हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की। क्लास नाइन्थ के मैथ के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, उनको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें आपको साफ साफ ये शो होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज़ आपकी रिडक्ट हो चुकी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में जो आपका देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैग्नीफायर करते थे, जिसमें लाइनें बना रहे थे ऊपर नीचे, वो आपको अब नहीं करनी है। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग को आप नंबर लाइन पे शो करते थे, वो आपको नहीं करना है। आपको जो रियल नंबर को एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पर एक और चीज जो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, जो डिफाइन करना था nth रूट ऑफ रियल नंबर्स को, वो भी आपका सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। सीधी सीधी बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी है, एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे बात करें पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, तो पॉलिनोमियल्स में आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, आपको फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। इसके बारे में जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे दोनों के, वो अब नहीं पूछे जाएंगे। हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करें कि जो फार्मूला था हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फार्मूला भी हटा दिया गया है पूरी तरीके से। तो इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बात करें कि 2.5 एक्सरसाइज जो है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके हट गए हैं। 2.5 में कौन से क्वेश्चंस अब आपको करने हैं, वो आपके क्लास टीचर, आपके ट्यूशन टीचर, मैं जब आपकी क्लास लूंगा वो आपको बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इस चैप्टर में जो भी आपके प्रॉब्लम्स रिलेटेड लाइफ के बारे में या रेशियो प्रोपोर्शंस के बारे में जो भी टॉपिक्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो रिमूव हो गए हैं। इसके बाद आता है हमारा यूक्लिड वाला ज्योमेट्री वाला चैप्टर, तो वो इंट्रोडक्शन जो है ज्योमेट्री का, वो आपका पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड चैप्टर था आपका, वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। तो हमने वो चैप्टर किया भी नहीं था, मैंने पहले बता दिया था कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चैप्टर, तो इसीलिए यहाँ पर उस चैप्टर को रिमूव भी कर दिया गया है। आगे वाले चैप्टर के बारे में बात करते हैं लाइन एंड एंगल्स, जो हमारा चल भी रहा है। लाइन एंड एंगल्स आपको पूरा चैप्टर करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम चैप्टर, मतलब पूरे का पूरा चैप्टर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पूरी स्टडी करनी है इस चैप्टर की। आगे बात करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स भी आपको पूरा चैप्टर करना है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसमें। उससे आगे बात करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है परमानेंटली, आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये इस सेशन की बात है, नेक्स्ट सेशन में मींस नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में आपके सीबीएसई ने कुछ रिडक्शन किया है, जिसमें इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। हम बात करते हैं सर्कल्स वाले चैप्टर में। सर्कल्स में जो थ्योरम 10.5 है और थ्योरम 10.10 है, इसको आपको नहीं करनी है। ये दोनों थ्योरम जो है आपकी हटा दी गई है आपके सिलेबस में से। कहने का मतलब है कि आपका 10.5 पूरी तरीके से रिमूव कर दी गई है, आपको वो चीज नहीं करनी है। 10.3 में कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपके रिमूव हो चुके हैं सिलेबस में से। तो 10.3 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। और 10.5 आपको पूरी नहीं करनी है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया थ्योरम 10.5 और 10.10 और इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में जो पैरीमीटर गिवन होता है और बेस एंगल जो गिवन होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको अब नहीं करना है। इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं करना है। 11.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है, वो आपको अब नहीं करनी है। आगे बात करते हैं हिरोन्स फार्मूला की। हिरोन्स फार्मूला में जो एप्लीकेशन ऑफ हिरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको एक ही क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल आ जाते थे, दो से ज्यादा ट्रायंगल आ जाते थे, आपको उनके एरिया निकालने थे, तो काफी टफ हो जाता था, काफी टाइम लगता था उनको कैलकुलेट करने में। तो एक्सरसाइज 12.2 आपके सिलेबस में से रिडक्ट हो चुकी है, तो आपको 11.2 नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आगे बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये आपको पूरा चैप्टर करना है।
आगे बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ पर हम हिस्टोग्राम हमें नहीं करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं पूछा जाएगा, हमें यहाँ पर मीन मीडियन मोड जो अनग्रुप्ड डेटा के थे जिनको खुद ग्रुप करना पड़ता है फिर उसका मीन मीडियन मोड निकालना पड़ता था वो नहीं करना। आपका जो पहले से ही ग्रुप्ड डेटा होगा उनका मीन मीडियन मोड पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका अनग्रुप्ड डेटा होगा वो थोड़ा सा टफ हो जाता था आपके लिए, तो उसको सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। एक्सरसाइज बात करें तो एक्सरसाइज आपकी 14.4 बिल्कुल मतलब हटा दी गई है, आपको वो नहीं करनी है, और 14.3 के कुछ पार्ट्स आपको करने हैं क्योंकि उसमें कुछ जो है इनसे रिलेटेड है और इनसे कुछ रिलेटेड नहीं है। आगे बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, ये आपको पूरा चैप्टर करना है। आपके सामने ये जो पूरी जानकारी रखी गई है ये बिल्कुल एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या आपको पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ये सारे के सारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को सेव कर लीजिए और आने वाले समय में क्या चीज आपको पढ़नी है, कौन सा चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो इस वीडियो के थ्रू आपको आसानी से पता लग सकता है। होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।